तो आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कुशवाहा एकेडमी पर। आज हम लोग पढ़ेंगे अनुपात और समानुपात का तीसरा वीडियो। चलते हैं आगे। ठीक है, क्वेश्चन है कि मनीष की गणित विज्ञान और हिंदी अंग्रेजी में कुल प्राप्तांक 261 है। यदि गणित और विज्ञान प्राप्तांकों का अनुपात मैंने मैथ और कितने का, मैथ और विज्ञान का यानी साइंस का अनुपात कितना हो गया, 7:6 में। ठीक है ना। अब कह रहा है कि विज्ञान और हिंदी में प्राप्तांक यानी कि ये साइंस में कितना हो गया, 6:5, हिंदी में 5। ठीक है ना। और हिंदी और अंग्रेजी में 4:3 में है, यानी कि 4:3 में। देखिए ये हो गया ना हिंदी यस से और ये इंग्लिश। ठीक है ना, तो इसमें 4 दे दिया होगा। ठीक है ना, तो पहले क्या करेंगे इस तरह से, इसको पहले हम लोग पहली बार इसको तोड़ेंगे, मतलब पूरा करेंगे, इसको छोड़ देंगे अभी। तो देखिए 7 6 42, 6 6 36 और 6 5 30। तो ये मान तो दोनों सेम है, इसमें कोई मतलब नहीं निकलेगा, ये दोनों तो सेम है। तो इसका मतलब हो गया कि 7 6 42 और 6 6 36 और 6 5 30, ये तो मान सेम आ जाएगा। ठीक है, अब ये 4:3 को मतलब हिंदी और इंग्लिश कहते 4:3 को गुणा कर देंगे इसमें 4:3 में। ये हो गया हिंदी और ये इंग्लिश। अब इसको गुणा करेंगे, देखिए ये इसके साथ, फिर इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ। देखिए यहाँ पे 7 4 28, 6 4 24, 5 6 20 और 3 5 15, ये अनुपात में बट गया। इसको कटाएंगे तो कटेगा, किसी से नहीं कटने वाला है, ये अनुपात में आ गया, ये नहीं कटने वाला। ठीक है ना, तब क्या करेंगे कि वो मान पूछ रहा है कि प्रत्येक विषय का मान कितना है, इनको जोड़ लेंगे। तो 8 4 12 5 17, 1 बच गया, 2 2 4 2 6 2 8 यानी कि 87। 87 यानी कि 261 है। 7 3 21। ठीक, तो ये इतना बराबर हो गया, 87 टोटल मान हो गया, तो 87 बराबर 261। ठीक है ना, तो एक मतलब इस अनुपात 87:261 मार्क हो गया, तो 1 बराबर 261/87। तो इससे कटाएंगे तो 8 3 24, 3 बार में कट जाएगा, यानी कि 1 बराबर 3 के, ये मान याद रखिए। अब कह रहा है कि इसी का हर एक यहाँ पे 3 का गुणा कर देंगे। देखिए 28 × 3, 3 8 24, 3 2 6 6 2 8 यानी कि 3 8 24, 2 3 2 6 2 8, 84। ठीक है ना, अब करीब 24 है, 24 का अनुपात × 3, 24 3 72, फिर 20 का 20 × 3, 20 3 60 और 15 3 45, 45। तो यानी कि वो हिंदी में जैसे मैथ में पा गया 84, साइंस में हो गया 72, हिंदी में पा गया 60 और इंग्लिश में पा गया 45। तो ये इसका मान गया। ठीक है ना, चलिए कि राकेश और रीता का वर्तमान आयु का योगफल 55 वर्ष है। देखिए राकेश, ठीक है ना, राकेश और प्लस रीता, रीता का कितना है 55 वर्ष वर्तमान में, वर्तमान में कितना है तो 55 वर्ष। ठीक है ना, अब कह रहा है कि 10 वर्ष पूर्व मतलब इनका जैसे राकेश का और रीता का, कह रहा है कि 10 वर्ष पूर्व इनकी आय, मतलब यहाँ से 10 वर्ष पूर्व, यहाँ से जब ऊपर जाएंगे तो 10 वर्ष पूर्व, ठीक है, 10 वर्ष पूर्व कितना है इनका अनुपात, राकेश और रीता का अनुपात कितना है, तो ये हो गया 4:3 में। ठीक है ना, 10 वर्ष पूर्व यक्ष समान हो गया 4:3 इतना। अब 10 वर्ष यहाँ पे आ गए, देखिए ये दोनों यहाँ पे आ जाएगा तो 4x+10 हो जाएगा, मतलब वर्तमान में, ये हो गया वर्तमान के लिए, इसको हम आय और दिशा में समझाएंगे। लेकिन देखिए यहाँ पे वर्तमान हो गया, वर्तमान से 10 वर्ष पूर्व चला गया तो 4:3 में, तो हम इस पूर्व को ले आकर के हम यहाँ पे रख दिए वर्तमान में, तो 10 जोड़ देंगे और 3x+10 जोड़ देंगे, तो आ जाएगा वर्तमान। अब कह रहा है कि यही दोनों मिला करके 55 वर्ष है, यानी कि 4x+10 और +3x+10 कितना क्या है, 55 वर्ष। ठीक ना, तो ये हो जाएगा 7x+20 = 55। ठीक ना, तो ये 20 इधर चला जाएगा तो 7x = 20 घट जाएगा तो ये जाएगा 35, तो x = 5 7 7 5 35 यानी कि x = 5। अब क्या कर रहा है कि इनकी वर्तमान आयु, तो यहाँ पे वर्तमान आयु ये है तो 4 × 5 / 10 यानी कि 5 × 20 = 10 = 30। ठीक है, और 3 5 15 = 10 = 25 यानी कि 3 × 5 / 10 = 3 5 15 = 10 = 25 यानी कि ये राकेश का मान हो गया मतलब एज, और ये हो गया रीता का। ठीक है ना, 25 और 30। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 संख्याओं का अनुपात 7:9 में है, यदि प्रत्येक संख्या में 30 घटा दिया जाए तो अनुपात 5/7 हो जाता है। जैसे मान लीजिए एक संख्या 7 हो गया, 7x और बटा में रख दिए, इसमें 30 घटा दिए, ठीक है,
और दूसरा संख्या है 9, यक्ष में से 30 घटा दिए, तो इसका अनुपात कितना हो गया 5/7, ठीक है ना। और साथ साथ 49 यक्ष माइनस 7 × 21 210, और बराबर में 9 × 5 45 यक्ष माइनस 150, ठीक है। तब देखिए ये इधर लेकर चले जाएंगे, इधर लेकर चले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में है, ये हो जाएगा, ये वाला प्लस में हो जाएगा, ये माइनस है, ये है, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 49 यक्स माइनस 45 यक्स बराबर 210 माइनस 150, ठीक है। तो ये हो जाएगा 60, और इसका मान हो गया 4, यानी कि यक्स बराबर 15, ठीक है ना, 15 यक्स बराबर 15। अब क्या कह रहा है कि संख्या ज्ञात कीजिए, तो मान लीजिए एक संख्या 7 यक्स रहा होगा, एक संख्या 7, एक दूसरी संख्या 9 यक्स, तो इसके साथ 15 × 7 = 15 का 7 × 15 कर देंगे तो कितना माना जाएगा, हो जाएगा 15 × 7 = 105, एक का मान हो गया भाई 9 × 15, तो 15 × 9 = 135, ये दोनों आंसर आ गया इसका, ठीक है ना। कि पहले 150, मतलब ये 150 था, इसमें 30 घटा देंगे तो 5 हो जाएगा, इसमें से ये हो जाएगा तो 7 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 में, ठीक है, दूध और पानी, ठीक है, इसका हो गया 4 यक्स, यक्स मान लीजिए इसको यक्स 1 यक्स हो गया, ये 4 यक्स हो गया, 15 लीटर पानी मिला दिया जाता है, मतलब ये भी सिर्फ मिलाया जाता है, तो पानी का अनुपात बराबर हो जाता है, यानी कि 1:1 में जाता है। देखिए 4 यक्स ये हो गया बटा में यक्स, इसमें अगर 15 लीटर पानी मिला देता है तो ये 1:1 में हो जा रहा है, 1:1 में, ठीक है ना, ये दोनों बराबर हो जा रहे हैं। देखिए 4 यक्स बराबर यक्स प्लस 15, तो ये इधर आ जाएगा, तो 3 यक्स 15 × 3 = 15, यानी यक्स बराबर 5, ठीक है ना, 5 यक्स बराबर 5। तब दूध का मात्र कितना था 20, मतलब 4 × यक्स का मान रख देंगे 5, तो ये जाएगा 20, और इसका मान हो गया 5, ठीक है ना। इसमें 15, अगर मान लीजिए पहले 20 था दूध, उसमें 15 kg मिला देंगे तो दोनों का मान बराबर आ जाएगा ना, तो वही तो ये दूध का 25 kg, चाहे जो भी मैंने किसमें भी मिला सकते हैं, और मीटर में, केजी में, जो भी कुछ करिए, लीटर में है, मान लीजिए 20 लीटर पहले था और ये 5 लीटर था, इसमें 5 लीटर जोड़ दिया गया तो दोनों बराबर हो जा रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 70 लीटर दूध, 70 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है, इसमें से 14 लीटर पानी और मिला दिया जाए, तो दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। इसे दूध हो गया, दूध और पानी कितना है, तो 4:1, यानी कि 4 यक्स और यक्स में, ठीक है ना, ये दोनों को मिलाकर कितना है 70 लीटर, ठीक है ना। इसमें 14 लीटर दूध मिला जाता है तो अनुपात क्या होगा, जैसे देखिए यक्स इतने मान में था, यानी कि 4:1, यानी कि दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5, 5 कितने के बराबर 70 के, ठीक है ना, 5 यक्स बराबर, ये यक्स हो गया ना, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5 यक्स, यानी कि इतना बराबर 70 लीटर के, तो यक्स बराबर कितना लीटर, 14×5 = 70, 14 लीटर, यानी कि यक्स बराबर 14, तो इसका मान हो गया 14 × 14 = 56। अब कह रहा है कि इसमें 14 लीटर पानी और मिला दिया जाए, यानी कि ये दोनों मिला जाता है तो अनुपात क्या होगा। देखिए इसमें 14 अगर जोड़ देंगे, 14 और जोड़ देंगे, पानी मिला दिया तो ये 56:28 हो गया, तो 28 × 56, यानी कि 2:1, इसका मान हो जाएगा 2:1, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 वर्ष पूर्व मोहन और अपने पुत्र के आय 4 गुनी थी, मतलब 8 वर्ष पूर्व, ये पूर्व में है 8 वर्ष, तो इसका मोहन और उसका पुत्र, मान लीजिए जो पुत्र होगा तो इसका कितना अनुपात है, तो ये 4 होगा, मैंने 4 यक्स, तो ये होगा यक्स, ठीक है। अब कह रहा है कि 8 वर्ष बाद मोहन की आय दुगुनी होगी तो वर्तमान आय, तब देखिए यहाँ पे वर्तमान में आ जाएंगे तो ये हो जाएगा यम और उसका पुत्र, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 4 यक्स + 8, और ये हो गया 4 यक्स + 8, यक्स प्लस 8, ठीक है। अब कह रहा है कि इससे 8 वर्ष बाद, यानी कि मोहन और ये पुत्र जो भी है, तो ये आ गया 4 यक्स + 8 और +8 यहाँ पे आ गया, और ये हो गया यक्स, यक्स प्लस 8 + 8, इसका मान कितना हो गया, देखिए 4 यक्स + 16, और इसका मान हो गया यक्स + 16। अब क्या कह रहा है कि इन दोनों का जो अनुपात है इस समय यहाँ पे, ठीक ना, अनुपात दोगुनी हो जाता है, तो इसको मान लीजिए ये 2 गुना हो गया, ये 1 गुना हो गया, ठीक है ना, तो इसको बराबर में ऐसे लिख देंगे, तो देखिए ये हो जाएगा, इसको गुणा करेंगे तो 4 यक्स + 16, और इसका अल्टू में 2x + 32, ठीक ना, तब ये इधर आ जाएगा, तो 4x - 2x बराबर, ये इधर चला जाएगा, तो हो जाएगा 32 में से 16 निकल जाएगा, तो हो जाएगा 2x = 16, तो यानी कि x = 8, इसका मान 8 हो गया। अब जिस पे जहाँ पूछ रहा है वहाँ पे हम निकालेंगे, तो वर्तमान में पूछ रहा है यक्स का मान 8, ये 4 × 8 = 8, यानी 8 चौके 32 / 8 = 40, और इसका हो गया
आठ और प्लस आठ बराबर 16, ये ना हो गया। सो तो ये 16 और 40 का हो गया वर्तमान में। अगर यहाँ पूछ देता है यहीं पे रख देते, यहाँ पे पूछ देता है यहाँ मान रख देते, तो जहाँ पूछेगा ये ऐसे ही लगाया जाता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है, 600 रुपये को 2 भाग में इस प्रकार पता गया कि एक भाग का 5वां भाग तथा दूसरे भाग का 8वां भाग अनुपात 16:5 हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए मान लीजिए फर्स्ट भाग, प्रथम जो भाग होगा यक्स होगा, ठीक है। तो द्वितीय 600 में से हम यक्स घटा देंगे तो माना जाएगा ना। अब कह रहा है कि प्रथम भाग का 5वां भाग यानी कि यक्स का 5वां, ठीक है, तथा दूसरे भाग का 8वां भाग का अनुपात यानी कि इन दोनों का अनुपात में, तो ये दूसरे भाग हो गया 600 माइनस यक्स बाई कितना ना 8वां भाग। यही कह रहा है कि 8वां भाग किसने के बराबर है, 16:5 के बराबर, ठीक है ना। ये चीज आप लोगों को ध्यान देने वाली बात है। तो ये इसके साथ गुणा हो जाएगा, ये अंदर से इसके साथ गुणा हो जाएगा। तो 8x और 6 5 300 माइनस 5x और बराबर 16 बट्टा, देखिए इसको मैंने दूसरे दूसरे तरफ लगा देते हैं। ये हो गया यक्स का कितना 5वां भाग, ठीक है, और टोटल का अनुपात मतलब ये हो गया यक्स 600 माइनस 600 माइनस यक्स बटा 8वां, और कितने बराबर है 16:5 कितना में 5 में, ठीक है ना। देखिए इसको हम लोग बाहरी बाहरी गुणा करेंगे और इसके साथ इसका गुणा करेंगे। तो देखिए ये इसके साथ गुणा होता है और ये इसके साथ गुणा होता है, तो ये हो जाएगा यक्स इंटू 8, ठीक है ना। और दूसरा में हो गया 5 अकोष्ठ में 600 ऋण यक्स बराबर 16/5 कितना 5, ठीक है ना। तो इससे ये कट जाएगा, इस 8 दूनी 16 से 2 बार ये कट जाएगा, ठीक है ना। बचेगा यहाँ पे कितना, मतलब 8 गुणे यक्स इससे कटा गया तो हो गया इतना, बचेगा यहाँ पे यक्स। देखिए ये हो गया 2x यानी कि यक्स बराबर 6 दूनी इससे गुणा होगा ना 2 से 12 1200 और -2x इधर लेकर चले आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस में, यानी कि यक्स प्लस 2x बराबर 1200, तो यक्स 3 हो गया ना, 3x बराबर 3x बराबर 1200, तो ये होगा 3 चौके 12 यानी यक्स बराबर कितना हो गया 400, ठीक है ना। तो यक्स बराबर 400 हो गया, तो इसका मान 400 और इसमें से 16 में से 600 में से 400 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 200, तो ये हो गया एक 400 एक हो गया 200, ठीक है। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 85 किग्रा मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 12:5 में है। जैसे दूध दूध कितना है और पानी, दूध का अनुपात 12 हो गया और ये 5 हो गया। अब कह रहा है कि 12 5 17 हो गया ना, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 17, यानी कि 17 बराबर कितने के बराबर है, ये 17 है कितने के बराबर, 85 kg मिश्रण के बराबर, ठीक है ना। तो एक बराबर कितना होगा, 1:5 बराबर ये हो गया 17 5 85 यानी कि 5, यानी कि 1:5 बराबर 5, ये आप निकालिए। अब कह रहा है कि इसमें कितना पानी और मिलाया जाए कि नए मिश्रण का अनुपात, ठीक है ना, अनुपात 4:3 में हो जाए। देखिए 1:1 कितना है, तो 12 12 का कितना हो गया, ये x हो गया ना, मतलब ये एक बराबर अगर 5 है तो 12 5 60, ठीक है, और ये हो गया 25 25। अब क्या कह रहा है कि इसमें पानी मिलाया जाए, मतलब बस सिर्फ पानी मिलाया जाता है, इसमें पानी मिलाया जा रहा है नए मिश्रण, कितना पानी मिला जाए यक्स, यही पानी मिला जाए तो ये अनुपात कितना हो जा रहा है 4:3, ठीक है ना। देखिए ये 15 चौके 60 और 15 3 45 यानी कि 25 यक्स 25 प्लस यक्स बराबर 45 के, तो ये इधर चला जाएगा तो यक्स बराबर 45 में से 25 घट जाएगा, 45 में से 25 घटेगा तो 20 यानी यक्स बराबर 20 यानी कि 20 लीटर उसमें और पानी मिला दिया जाए तो उसका अनुपात हो जाएगा 4:3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 780 रुपये को 3 मित्रों के पास 1/2 1/3 1/4 के अनुपात में वितरित किया जाए, तो ज्ञात करिए। मान लीजिए 1:2 में 1/3 में 1/4, तो इसका हम लोग लॉसा ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3 दोस्त हैं मतलब कि ये हो गया 12, तो इसका मान अगर 12 हो जाएगा, इसका मान 12, इसको 12 अगर कर देंगे तो 6 दुनी 6 और 3 चौके 12 और 4 3 12 इस अनुपात में हो गया। अब कह रहा है कि 780 रुपये में बांटा जाए प्रत्येक को कितना में, तो मान लीजिए 6 4 10 3 13 13 बराबर कितना है 7, ठीक, तो 1 बराबर 13 13 13 5 13 78 6 बार से यानी कि 60 बार हो गया ना, 60 बार यानी 1:60। तो अब देखिए 1 बराबर मान लीजिए 1 बराबर 60 हो गया, तो 6 6 बराबर कितना हो जाएगा 60 गुणे 6
360, अब देखिए ये 360 हो गया, फिर चार का, चार को उसी तरह से करेंगे तो 60 गुणे 4 6 24, और तीन का तो 3 बराबर 60 गुणे 3 बराबर 1880, यानी कि तीनों का मान इतना अलग अलग हो जाएगा, 360 240 180। ठीक है, देखिए दे रहा है कि ए बी का वार्षिक आय का अनुपात, यानी कि ए का अनुपात कितना है, ए का 8 हो गया अनुपात, खर्च कितना करेगा, मान लीजिए यक्स हो गया खर्च में, जैसे 8 यक्स, और बी का हो गया 5 यक्स, ठीक है ना, ये आय हो गया, खर्च कितना कर रहा है, तो ये वाई के हिसाब से खर्च करेगा, तो यानी कि 5 अनुपाते 5 वाई और अनुपाते में 3 वाई, ये खर्च कर रहा है। तो देखिए ये आपस में खर्च कर रहा है, मतलब कि 8 यक्स माइनस 5 वाई बराबर कितना, 800 रुपया, ये दोनों पैसा बचा रहा है। और ये देखिए 5 यक्स माइनस 3 वाई बराबर 800, ये दोनों लोग 800 रुपया, अंत में प्रत्येक की बचत 800 रुपया हो जा रही है, ठीक है ना। चलिए अब क्या करेंगे कि इसको हम लोग सेम करेंगे, जैसे इसको सेम करेंगे तो 5 3 15, यानी कि इसमें 3 का गुणा कर देंगे और इसमें 5 का गुणा कर देंगे, तो इससे हो जाएगा कि 8 तरीके 24 यक्स माइनस 15 वाई और 8 चौके 8 तरीके 2400। ठीक, अब देखिए इसमें 5 से 5 25 और 5 3 15 और ये हो गया 8 5 40 4000, ठीक है ना। तब देखिए अगर हम इसको माइनस कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे, तो ये प्लस में हो जाएगा ना, तो प्लस से और माइनस से कट जाएगा तो कट जाएगा। और ये देखिए 24 में से माइनस 24 एक्स होगा तो -1 एक्स हो जाएगा, और इधर ये माइनस है तो माइनस में से 2400 कटेगा तो कितना आ जाएगा, 4000 में से 2400, यानी कि 1600, ये माइनस में आ जाएगा 1600, तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी एक्स बराबर हो जाएगा कितना, 1600, ठीक ना, एक्स बराबर 1600। तो देखिए एक्स बराबर 1600 हो गया, तो 1600 गुणे 8, 8 0 0 8 0 0 8 6 48, 4 और 8 का 8 4 12, 12000, ये इतना हो गया, और ये हो गया 5 से, यानी कि 1600 गुणे 5 1650, इतना मान 8000 12800। तो इसको एक तरह से और लगा सकते हैं, ये समझ लिया है ना, तो इसको एक तरह से और लगाते हैं, ठीक है। ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करें।